भाई बाइक राइडिंग का आनंद ही कुछ और है, लेकिन अगर बाइक की राइडिंग पहाड़ की खड़ी चढ़ाइयों पर करने को मिल जाए तो उसका आनंद चार गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। इस समय मैं जिस पर्वतमाला पे राइडिंग कर रहा हूँ वो कोई साधारण पहाड़ नहीं है, यहीं से नेपाल की शुरुआत होती है और ये हिमालय की पर्वतमालाएँ हैं। ये देखो भाई कितना हाइट पे आ गए हैं, पूरा सब छोटे छोटे पेड़ पौधे निकल रहे हैं यहाँ पर बगल में, और गाड़ी लगातार एक नंबर दो नंबर में ही चलाना पड़ रहा है क्योंकि लगातार चढ़ना पड़ रहा है। अब गाड़ी की इंजन की ताकत कुछ झोंक देनी पड़ेगी, अब गाड़ी भी पीछे नहीं हट रही है, कुछ दाबो दाब चढ़ती नीचे नहीं जा रही है। प्रकृति से प्रेम करने वाले हमेशा प्रकृति के आसपास रहना पसंद करते हैं और उन्हीं प्रकृति प्रेमियों में से मैं भी एक हूँ, और मुझे जब भी मौका मिलता है तो मैं भी इसी तरह से किसी न किसी एडवेंचर के लिए कहीं ना कहीं निकल जाता हूँ। इन खूबसूरत हंसी वादियों में कोई जवाब नहीं, बहुत ही शानदार नज़ारा है, बहुत शानदार व्यू है यहाँ पर। एक बार मैं आपको पीछे कैमरा घुमा कर दिखाता हूँ, ये देखिए ये पूरे पहाड़ शानदार नज़ारा। भाई भाई जरा गाड़ी रोकना यहाँ पर, बहुत ही शानदार नज़ारा। रुक जा भाई एक मिनट के लिए, यहाँ से देखते हैं। ये देखो भाई गजब के नज़ारे हैं, गजब का सीन है, पूरा घाटी ये पूरा शानदार नज़ारा है। ये पीछे देखो कितना हाइट पे आ गए हम लोग, ये देखिए भाई साहब, भाई यहाँ पर बहुत ज़्यादा हाइट है, ये देखिए। इधर देखिए नीचे सड़क और ऊपर भी सड़क है, ऊपर सड़क पर हम लोग खड़े हैं, अभी गोल गोल घूम के हम ऊपर आए हैं। पहाड़ों पे ऐसे गोल गोल घूम के सड़क बनी होती है। टॉप हाइट पे हम लोग आ चुके हैं, अब टॉप हाइट से हम लोग नीचे उतरने का समय आ गया है। ये देखिए बीच से भी घुमा हुआ है यहाँ पर, बिल्कुल बीच से, बहुत ही खतरनाक है, जरा सा चूक हुई तो फिर बड़ा ही मुश्किल है। और यहाँ पर थोड़ा सा पानी बहता हुआ दिखाई दे रहा है, एक्चुअली झरने का पानी है ये। बरसात में जब बहुत तेज बारिश होती है तो झरना यहाँ से गिरता है, ऊपर से झरना गिरता है, बाहर करके पानी नदी में जाता है। और एक और देखिए घुमा हुआ है यहाँ पर, ये भी बिल्कुल वी शेप में है भाई, बहुत आराम से धीरे धीरे। और यहाँ पर नदी देखिए, ये पुल है, नदी का पुल है, और यहाँ पर नदी का पुल जो देखिए कितनी खूबसूरत, नदियाँ भी यहाँ की बहुत प्यारी बहुत खूबसूरत होती हैं। फिलहाल तो पानी नहीं है इसमें, और इसके बाद हम छोटा सा एक ब्रेक लेंगे। यहाँ पर देखिए हम लोगों ने चाउमीन और कोल्ड ड्रिंक मंगाए हुआ है, थोड़ा सा ब्रेक, उसके बाद फिर राइडिंग चालू ताबड़तोड़। भाई ये पहाड़ देखिए, मैं आपको शानदार नज़ारे दिखा रहा हूँ, ये देखिए कितनी खूबसूरत। ये मेरी बाइक है और मैं थोड़ा आगे बढ़ करके इस घाटी को पूरी इस पूरे नज़ारे को आपको दिखाता हूँ। ये देखिए गजब का व्यू है भाई, और देखिए हाइट, देखिए कितनी हाइट पे आ गए हैं, इतनी हाइट पे हैं कि यहाँ पर कान से आवाज़ आ रही है, इसका मतलब कान से आवाज़ आ रही है मतलब कि ऑक्सीजन कम है यहाँ पर। अभी ये देखिए अभी बाइक हम लोग नीचे उतर रहे हैं पहाड़ से, तो बाइक में गियर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, एक्सीलेटर लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आराम से आप न्यूट्रल की गाड़ी बैठ जाइए, गाड़ी आपकी चलती चली जाएगी। और वही हम लोगों ने किया हुआ है, गाड़ी चल रही है, हम लोगों ने गाड़ी को न्यूट्रल कर दिया है, एक्सीलेटर नहीं ले रहे हैं, और इन खूबसूरत नज़ारों का आनंद लेते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ये देखिए घुमाव तो बड़े गजब के होते हैं भाई, जरा से भी चूक गए तो फिर कहने के लिए कोई शब्द ही नहीं बचेंगे। ये देखिए गजब का व्यू है भाई, ये देखो सामने जो टावर लगे हुए हैं, ये पूरा नेपाल है, ये मोबाइल कंपनी के टावर लगे हुए हैं, पहाड़ों पर हाइट पर टावर भी लगाए जाते हैं। घूमने का आनंद तो सिर्फ पहाड़ों में, जब गाड़ी पहाड़ से उतर रही होती है तो और मजा आता है, क्योंकि बाइक गाड़ी चढ़ाते समय तो आपको प्रेशर रहता है कि बाइक खींचना है हमको चढ़ना है ऊपर, लेकिन गाड़ी जब उतर रही होती तो आराम से आप गाड़ी न्यूट्रल करके आराम से बैठे रहिए और गाड़ी आपकी चलती चले जाएगी। ये देखिए शानदार नज़ारे, ऐसी राइडिंग करने को मिल जाए तो फिर मज़ा ही मज़ा है।
ये पहाड़ देखिए भाई साहब, जानदार, वाव क्या खूबसूरत नजारे हैं। क्या व्यू है यार, कसम से। दोस्तों मेरा वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट करके जरूर बताएं और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें जिससे मेरे आने वाले वीडियो आपको मिलते रहें। थैंक यू।